के साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गोयल इंटरप्राइजेस में भीषण आग लगी है। करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद ये आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, पानीपत से आ रही है, जहां पर गोयल इंटरप्राइजेस में भीषण आग लगी है। करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया, और आग के कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। करोड़ों की जो सामान है, करोड़ों का, वो जलकर खाक हो गया है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। एक फैक्ट्री में जो है यहाँ पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी है। करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं पानीपत से है, गोयल इंटरप्राइजेस में भीषण आग लगी, करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया, और मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी थी। करोड़ों का माल जलकर खाक हो चुका है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, गोयल इंटरप्राइजेस में भीषण आग लगी, करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, और ये बताया जा रहा है कि आग के जो कारण थे वो शॉर्ट सर्किट थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। देख तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से सारा सामान जो है जलकर यहाँ पर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किस तरह से तस्वीरें जो है सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है। मशक्कत के बाद यहाँ पर काबू पाया गया। गोयल इंटरप्राइजेस में आग लगी थी। करोड़ों का जो है सामान यहाँ जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया। आसपास में अफरा तफरी का माहौल आग लगने के बाद जो है बन गया था। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग के बाद लगने के बाद यहां पर मशक्कत की गई और आग पर काबू पाया गया। प्रवीण भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है अभी तक, कितना नुकसान यहां पर जो है निकलकर सामने आया है? प्रवीण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। प्रवीण, जिस तरह से जो आग की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास? जी देखिए, बताना चाहेंगे पानीपत के छोटाला रोड का ये हादसा है, जहां गोयल इंटरप्राइजेज में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। आग लगने से करीबन जो मालिक के अनुसार 1 करोड़ का नुकसान उन्होंने बताया है। फैक्ट्री में माल व भवन पूर्ण तरह से जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रात से लगी थी। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जी, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? जी देखिए, सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड के कर्मी भी लगातार जुटे थे। शॉर्ट सर्किट फिलहाल तक इस आग का कारण बताया जा रहा है। गनीमत रही कि कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ है। वहीं फैक्ट्री का माल पूर्ण तरह से जलकर खाक हो चुका है। चलिए प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पानीपत से, जहां गोयल इंटरप्राइजेज में भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से करोड़ों का जो यहां पर सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि किसी के हताहत होने की खबर यहां पर सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया गया।